Hello everyone. I welcome you all in AA Shah IAS Institute. We are going to discuss today ethics paper of mains UPSC mains 2019 here. जो इस साल की यूपीएससी मेंस हो गई है 2019 में उसमें जो इथिक्स का पेपर आया था वो हम डिस्कस करेंगे. इन दिस पेपर देर आर दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. सेक्शन ए, दिस सेक्शन ए कंटेन्स फ्यू क्वेश्चंस विच आर बेसिकली ऑफ थेरोटिकल नेचर एंड देन देर इज अ सेक्शन बी. सेक्शन बी कॉम्प्राइजेस 7, 8, 9, 10, 11. दिस नंबर ऑफ केस स्टडीज हियर. सो द क्वेश्चन आर बेसिकली दे आर जनरल इन नेचर. ये जो जिस तरह के क्वेश्चन है जैसे कि वॉट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. सो देर कैन बी मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. देन दिस वॉट इज पब्लिक सर्वेंट, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्वेंट. इट मीन्स जिस तरह से इन्होंने पूछा है कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्वेंट, बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट. सो देन अगेन दिस इज दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ वेरी ब्रॉड नेचर, वेरी जनरल नेचर एंड ऑल क्वेश्चन इन अ सेक्शन ए. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन लाइक दिस कोटेशन आर गिवन हियर एंड अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. सो ये कोटेशन में भी देर इज अ स्कोप टू राइट टू मच एंड दैट्स वाई ओवरऑल आई वुड से this whole question, these all questions are very general in nature and they are broad in nature. They can have a multiple interpretation, multiple and we can write multiple things here. So we have too much scope to write here, but now what needs to be right here, that is basically we should write here, we should write our answer from the civil service perspective. जैसे कि एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यहाँ पे जो कोटेशन है, या फिर मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स. ये जो कोटेशन है, इन कोटेशंस में हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी ब्रॉड एंड दे आर वेरी ओपन. बट इन दिस पेपर वी हैव टू ट्राई टू कन्फाइन अवर सेल्फ, ट्राई टू कन्फाइन अवर आंसर फ्रॉम पब्लिक परस्पेक्टिव. जैसे अनएग्जामाइंड लाइफ में हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी कुछ लिख सकते हैं. वी कैन राइट लॉट अबाउट अवर पर्सनल लाइफ एंड वी कैन जस्टिफाई दिस आंसर. बट देन इफ दिस इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इन दिस वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट दीज थिंग्स फ्रॉम सिविल सर्विस परस्पेक्टिव. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन वन. वी हैव दिस क्वेश्चन पेपर एंड देन वी हैव ट्राइड टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एंड definitely I do not claim that these answers are ultimate and final, but still we have tried to make them simple, easy, and we have tried to address what have been asked into the questions. The first question is you will have to have that question paper in your hand while listening to this video. The first question is question 1A. क्वेश्चन इज वॉट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है एंड इल्यूस्ट्रेट एनी थ्री ऑफ दिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स एंड वी हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स. वी हैव वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स. इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है बेसिकली. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये अपना पहला पार्ट है. और फिर जो भी प्रिंसिपल्स है उनमें से कोई भी तीन प्रिंसिपल, एनी थ्री पिन प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू इलुस्ट्रेट. नाउ व्हाट इज मीन बाय इलुस्ट्रेट. इलुस्ट्रेट मीन्स वी हैव टू एक्सप्लेन दोज प्रिंसिपल्स एंड देन गिव एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. नाउ जो पब्लिक लाइफ मीन्स दिस इज बेसिकली इन एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव और फ्रॉम गवर्नेंस परस्पेक्टिव. द पब्लिक लाइफ मीन्स वेन अ पर्सन एक्ट इन हिज ऑफिशियल पोजिशन. जब हम ऑफिशियल पोजिशन में, फॉर एग्जाम्पल आप सिविल सर्वेंट, कोई सिविल सर्वेंट है और वो ऑफिशियल पोजिशन पे जो भी काम करता है, जो भी डीलिंग्स करता है, वो सारा दैट ऑल कंप्राइजेस अ पब्लिक लाइफ. तो पब्लिक लाइफ में इंसान के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए या फिर पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है. इन अ डेमोक्रेसी
the people who are holding the authority, the public servants, they are holding the authority, but they derive this authority from the people. They derive this authority from the people, and hence they are required to exercise this authority in the best interest of the people. Okay, so and that's why they are civil servant. Because जैसे कि the way Mahatma Gandhi also said that people, public servants should consider themselves as a trustees. So they are trustees. They have to act in the public interest because they have derived this authority which have been reposed to them from the people. So these are the basic principles of the public life: honesty, objectivity, openness, leadership, integrity, accountability, selflessness. So these are but few basic principles of the public life, and there are many, but these are some basic principles. So these are the basic principles, and we have to illustrate these principles. Now we will just pick any three, जैसे कि objectivity यहाँ पे हमने लिया है, objectivity, accountability, openness, इन तीनों को हम describe करेंगे और उनके examples को देखेंगे. Objectivity मतलब क्या है? For example, let's say officer is deciding a matter. पहले objectivity क्या है वो देखते हैं और फिर example देखते हैं. Objectivity मतलब the holders of the public office. Those people, those authorities who are holding the public office, they have to make choices because they have different choices, and they have to make choices based on the merit, merit ke basis pe, and not based on any other criteria. Ki kon kis caste ka hai ya phir koi kisi particular religion ka hai. So these other parameters should not be into the mind while considering multiple choices. And civil servants have to take decisions and how or how to decide the matter based on merit, because and they don't have to bias, or though they don't have to keep any prejudice in their mind while deciding the matter, or they should not even favor to any person deciding the matter. So objectivity is basically deciding the principle, deciding the matters, or taking decision based on simply merit and not on any other criteria. Now why merit? Because हमें merit के आधार पे ही क्यों decide करना है? So let's take an example. एक एक government servant है या फिर एक head of the department है, and there are he is allocating particular government contract. Now there are multiple parties to this contract, and for example, let's say those who have applied for the contract, one of the application is belongs to the person who is a relative of that head of the department. For example, let's say you are a head of the department, and or aap abhi government ke contracts ko decide kar rahe ho ki government ka contract kisko dena hai. Ab jo bhi jinhone bhi apply kiya hai unme se ek vyakti aapka relative hai. Ab relative hai, रिलेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल गिव दैट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली टू दैट पर्सन जो आपका रिलेटिव है. यू विल हैव टू कीप दिस ऑल सच प्रिजुडाइसेस अवे और अपार्ट, एंड यू हैव टू डिसाइड सिंपली बेस्ड ऑन द मेरिट, नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर क्राइटेरिया कि कोई मेरा रिलेटिव है या कोई मेरे कास्ट से बिलोंग करता है, कोई मेरे रिलीजन से बिलोंग करता है. दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड, रैदर योर क्राइटेरिया शुड बी which proposal or which application is going to help the public or going to help the larger public interest. जो जो contract, जो application सबसे best होगा और जो best suitable होगा और जिससे सबसे ज्यादा फायदा public को होगा, वही contract आपको देना है, ना कि वो contract जो आपके relative का है. So this is known as objective decision making. Objective decision making में हम वही करते हैं, public servant को वही करना है जो बेस्ट है लोगों के, पब्लिक के लिए, और जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में फिट होता है. ठीक है, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी नाउ डेफिनेटली फॉर एग्जांपल जैसे कि नाउ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज अथॉरिटी जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस. कोई भी चीज, कोई भी एक्शन या कोई भी निर्णय वो जो लेते हैं इन पब्लिक लाइफ, दे आर अकाउंटेबल टू इट, क्योंकि दे आर बिकॉज दे हैव डिराइव्ड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल. लोगों से उनको पावर मिला है, एंड दे हैव टू यूज दैट पावर फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल.
They cannot use that power arbitrarily, and that's why, because people are taxpayer, and that's why these government servants are accountable to the people for any of their action and decision. And that's why authorities have to be accountable for their decisions and action, and they must submit. Means they should be all, they should remain always open for any kind of scrutiny when people ask, or when there is, when whenever there is a requirement. So accountability में normally, for example, एक government servant है और government servant ने कोई निर्णय लिया है. For example, let's say cleaning the forest for road construction. So अब ये clear forest clearing, forest clear करना है road construct करने के लिए. So while doing this, he have to observe the canons of the justice कि क्या लोगों के लिए सही रहेगा और क्या लोगों के लिए सही नहीं रहेगा. Because he is accountable to the people finally, and that's why then people can hold him accountable, people can come to him, people can ask him that what you are doing and what you are not and why you are doing this. So that is accountability. Accountability means people can ask question directly to the authorities that what you are doing and why you are doing. Then third quality is, third principle of the public life is openness. Openness, it is very simple. Public servants, they should try to be as open as possible about all the actions and the decisions they do, and they should not restrict any information until and unless that information is of publicizing that information is a threat to the national security. Koi bhi kaam ho, because they are accountable, they are public servant, they are of taking the decisions on the behalf of the people and not because of and not for their private life. उनको public के लिए वो निर्णय लेना है. इसीलिए कोई भी action या कोई भी decision लेते वक्त they have to keep it open and make it public, every relevant information or every public information, so that it increases the transparency. क्योंकि जितना तुम्हारा जितना किसी भी public servant का decision making open रहेगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी, और जितना ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी, मोर द ट्रांसपेरेंसी विल बी इन द एक्शंस एंड डिसीजन, देयर विल बी मोर ट्रस्ट ऑन द पब्लिक अथॉरिटीज बाय द पीपल एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन देम, एंड दैट्स व्हाई ओपननेस इज रिक्वायर्ड. ओनली फ्यू डिसीजंस व्हिच नीड्स टू बी इन व्हिच द सीक्रेसी नीड्स टू बी मेंटेन. ऐसे कुछ निर्णय होते हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू है, या फिर कोई कोई और इस तरह का इशू है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई इशू है, तो इस तरह के निर्णय या इस तरह के डिसीजंस को पब्लिक ना करे तो भी कोई इशू नहीं है. बिकॉज सच डिसीजंस कैन नॉट बी मेक पब्लिक, बिकॉज दे मे पोज थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, एंड दैट्स वाई सच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड, बट अदरवाइज एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी मेड पब्लिक इन टू द पब्लिक डोमेन. फॉर एग्जाम्पल अपने पास वी हैव आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 ये बोलता है, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट आस्क द पब्लिक अथॉरिटीज टू मेक ऑल रिलेवेंट और ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इनटू द पब्लिक डोमेन बाय डिफॉल्ट, और सू मोटो जिसको बोलते हैं, खुद ही उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखनी है. तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और जो है ट्रस्ट बढ़ता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इस क्वेश्चन में यही प्रिंसिपल्स हमें लिखने थे, और फिर इनके तीन एग्जांपल्स हमने तीन तीन प्रिंसिपल्स लिख के एग्जांपल्स हमने लिखा है. एंड वी कैन दिस कंक्लूड सिंपली सेइंग दैट कि पब्लिक सर्वेंट्स आर ट्रस्टीज ऑफ द पीपल, वी नो दिस, एंड दैट्स व्हाई दे मस्ट अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें फॉलो करके पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना ही पब्लिक सर्वेंट का काम होता है, बिकॉज दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल रीड द क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू डू नॉट हैव द क्वेश्चन पेपर. द क्वेश्चन सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट क्वेश्चन मार्क, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. This question also carries 10 marks and we have to write in 150 words. So, public servant, ये जो term है, इससे आप क्या समझते हो? What do you understand by the term public servant? ये question का पहला part है.
और दूसरा पार्ट ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स का क्या एक्सपेक्टेड रोल है, ठीक है। सो एक स्वामी विवेकानंद का कोट है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद सेज दैट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। सो आई हैव यूज दिस कोटेशन बिकॉज इन दिस कोटेशन वी कैन अंडरस्टैंड वॉट इज पब्लिक सर्वेंट। इन दिस कोटेशन इट क्लियरली सेज दैट कि जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो लोग जिंदगी में दे आर लिविंग देयर लाइफ इन अ ट्रू सेंस, अदरवाइज दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अदर्स दे आर मोर डेड देन अलाइव, दे आर इक्वल टू डेड। उनके लाइफ का कोई देयर लाइफ इज नॉट वर्थ। सो बेसिकली स्वामी विवेकानंद ट्राइंग टू से दैट पब्लिक सर्विस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू हैव अ वर्दी लाइफ। सो लेकिन मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में जैसे कि इस कोटेशन से फ्रॉम दिस कोटेशन वी कैन टेक इन्फरेंस दैट कि एनी पर्सन हु इज डूइंग पब्लिक सर्विस, हु इज हेल्पिंग टू द पीपल और हु इज सर्विंग द पीपल, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। बट यस, इन मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी वी कैन नॉट से दैट एवरीवन हु इज डूइंग पब्लिक सर्विस इज अ पब्लिक सर्वेंट। इन अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्वेंट्स वो लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट्स आर दोज पीपल हु हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी टू एक्ट। पब्लिक सर्वेंट्स आर दोज पीपल हु हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो सोशल गुड है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो जो व्हाट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ, दैट शुड बी टेकन बाय दिस पब्लिक सर्वेंट एंड दैट अथॉरिटी इज गिवन टू देम। सो पब्लिक सर्वेंट इज सिंपली अ पर्सन हु हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के लिए काम करने का अथॉरिटी, वैसे तो लोगों के लिए काम मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एंड बेसिकली देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द पीपल, बट दे ऑल आर नॉट पब्लिक सर्वेंट बिकॉज ही हियर द अथॉरिटी। दिस वर्ड स्पेसिफिकली, दिस वर्ड अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी, दे हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी दी गई है कि लोगों के लिए काम करो। इसीलिए पब्लिक सर्वेंट्स आर दोज पीपल हु हैव बीन गिवन एन अथॉरिटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एंड दीज पब्लिक सर्वेंट्स दे होल्ड पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के बिहाफ में उनके पास वो पावर होल्ड करते हैं, एंड दैट्स वाई दे हैव टू एग्जीक्यूट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सो वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड पब्लिक इंटरेस्ट फ्रिक्वेंटली, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस इज ऑल अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट। वाई दे होल्ड पावर? बिकॉज दे हैव टू टेक एक्शन, दे हैव टू टेक डिसीजन, एंड एनी डिसीजन एंड एनी एक्शन दे हैव टू टेक, द अथॉरिटी इज गिवन टू टेक द एक्शन और डिसीजन, बट दे हैव टू यूज दैट अथॉरिटी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। एंड दे शुड मेक लॉज, दे कैन एग्जीक्यूट लॉज, दे डिलीवर द सर्विस टू द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट, मिनिस्टर्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, आईएएस ऑफिसर एक्सेट्रा, देर आर मेनी सच पीपल हु होल्ड द अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, एंड दैट्स वाई वी कॉल देम अ पब्लिक सर्वेंट। नाउ वॉट इज द रोल दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले, और वॉट रोल दे हैव टू प्ले इन अ पब्लिक सर्विस? फर्स्ट थिंग, दे हैव टू अपहोल्ड द सोशल गुड और पब्लिक इंटरेस्ट, डेफिनेटली ये दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में पब्लिक सर्वेंट को जो भी, दे हैव टू डू एनी थिंग विच इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड विच इज गुड फॉर द होल सोसाइटी एंड विच इज गुड फॉर ऑल। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ मैनर विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। दे हैव टू एक्ट इम्पार्शियली एंड इन अनबायस्ड वे, दे कैनॉट बी बायस्ड एंड दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द पीपल बिकॉज एवरी पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर देम। सो देन दे आर सपोज टू यूज देयर डिस्क्रेशनरी पावर। नाउ दिस डिस्क्रेशनरी पावर, वॉट इज डिस्क्रेशनरी पावर? डिस्क्रेशनरी पावर मीन्स सिविल सर्वेंट हु इज होल्डिंग दैट पोजिशन, ही हैज सम डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब अपने मन से वो कुछ चीजें कर सकते हैं,
उनको वो एक अथॉरिटी है कि जहां जहां पे लॉ सफिशियंटली डिस्क्राइब नहीं करता सिचुएशन को, उन सिचुएशंस में उनको जो सही लगता है, व्हाट दे फील राइट दे कैन डू, बिकॉज लॉ डज नॉट प्रोवाइड, लॉ डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर एवरी सिचुएशन. वी ऑल्सो नो दैट देर आर मेनी लॉज विच आर टू मच ब्रॉड एंड वैग्यू, सो दे डोंट प्रोवाइड, दे डोंट मेक प्रोविजन फॉर एवरी सिचुएशन और एवरी सर्कमस्टेंसेस टू मीट. एंड दैट्स वाई इन सच अ सिचुएशन पब्लिक सर्वेंट्स हैव बीन गिवन सम पावर दैट इज नोन एज अ डिस्क्रिशनरी पावर. मीन्स इन सच सर्कमस्टेंसेस वेयर द लॉ डज नॉट फुलफिल, लॉ डज नॉट मेक प्रोविजन, इन दैट सिचुएशन पब्लिक सर्वेंट कैन यूज दिस पावर, बट देन दिस डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट बी यूज इन अ रैशनल वे, इन अ फेयर वे, सो दैट सो दैट इट इज गुड फॉर द पीपल एंड इट शुड नॉट हार्म द पीपल और इट शुड नॉट हार्म एनी बडी. ओके, सो विद द डिस्क्रिशनरी पावर दे शुड यूज इट इन अ रैशनल मैनर एंड नॉट टू फेवर एनी बडी एल्स. पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द हाइएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड, डिसेंसी एंड डेकोरम इन देयर कंडक्ट. उनका कंडक्ट में, उनके एक्शन में उन्होंने पूरी तरह से डिसेंसी और डेकोरम एक मेंटेन करना चाहिए, और उसके साथ साथ हाइएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड. हाइएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड मतलब कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस, कमिटमेंट टू द सोशियल गुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इथिकल स्टैंडर्ड्स है, और ये सारे इथिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपहोल्ड करना एक्सपेक्टेड है. नेक्स्ट इज दे मस्ट डिसाइड मैटर्स डेमोक्रेटिकली बाय एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल नेसेसरी स्टेक होल्डर्स. कोई भी निर्णय लेते वक्त सिविल सर्वेंट्स ने, व्हाइल डिसाइडिंग एनी मैटर पब्लिक सर्वेंट्स शुड एक्ट इन अ डेमोक्रेटिक वे. डेमोक्रेटिक बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी डोंट प्रिफर एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजाइम जिसमें एक पर्सन अपने ही मन से कुछ भी चीज करता है या उसको जो लगे वो करे. दिस इज नॉट अ प्राइवेट ऑफिस, दिस इज अ पब्लिक ऑफिस, एंड इन पब्लिक ऑफिस एट पब्लिक पोजिशन यू हैव टू टेक डिसीजन कंसिडरिंग ऑल द नेसेसरी स्टेक होल्डर्स. जितने भी स्टेक होल्डर्स उसमें आते हैं वो सारे लोगों को कंसिडर करके, उनको कंसल्ट करके, कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ब्यूरोक्रेसी, कंसल्टेशन इज द की टू डिसीजन मेकिंग. सो यू हैव व्हाइल एक्टिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट वन हैज टू कंसल्ट ऑल द नेसेसरी स्टेक होल्डर्स एंड टेक दैट डिसीजन डेमोक्रेटिक वे, इन अ डेमोक्रेटिक वे. दिस लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द लॉ, दे शुड अपहोल्ड द लॉ, दे शुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, दे शुड अपहोल्ड द पब्लिक इथिक्स एंड दे शुड ऑब्जर्व द कैनन्स ऑफ जस्टिस. मतलब वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, दे शुड डिसाइड एंड दे शुड एक्ट फॉर द राइट एंड दे शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड दे शुड ऑलवेज अपहोल्ड द लॉ बिकॉज दे आर द पीपल हु आर देयर टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रेक द लॉ बिकॉज दे आर द सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल आर फॉलोइंग देम. जिस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा पब्लिक सर्वेंट, जैसा किंग होता है वैसे ही लोग उन्हें फॉलो करते. सो अगर पब्लिक सर्वेंट ही लोग अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू आईएएस ऑफिसर्स एंड फ्रॉम देन अदर ऑफिसर्स ऑल्सो, इफ दे डोंट फॉलो द लॉ, इफ दे डोंट अपहोल्ड द लॉ, वाई द पीपल विल अपहोल्ड द लॉ. And in such a situation, if public servant do not uphold the law, then there will be a lawlessness, disorder in the society. And that's why to maintain that order and law, law in the society, they have to first uphold the law so that people will also uphold the law. Okay, or they will follow the law. So we can conclude this. Public servants are the sentinels of democracy and they are the keepers of the public interest. And hence, public good must motivate them to action. ठीक है, लोगों का सोसाइटी का जहाँ सोशियल गुड, दैट इज समथिंग शुड मोटिवेट देम फॉर द एक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द आंसर बेसिकली, सॉरी वी हैव नॉट रिटन दिस क्वेश्चन नंबर हियर, बट दिस इज क्वेश्चन सेकंड ए. The question is, I read the question, effective utilization of public funds. I can also show you the question here. Yes, this is this second A.
Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for underutilization and misutilization of the public funds and their implications. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि पब्लिक फंड जो है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ये बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए, और हमें ये भी देख ये भी एग्जामाइन करना है कि अंडर यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन का क्या रीजन है, क्योंकि वी ऑल नो दैट देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज देयर इम्प्लीकेशंस. नाउ लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई इट इज क्रूशियल टू यूज टू यूटिलाइज द पब्लिक फंड टू मीट द डेवलपमेंट गोल्स. Now the problem of the social sector is no longer insufficiency of the funds but poor utilization of the fund. There was a time when we used to be a poor country, we do not have that much amount of financial capacity to meet the developmental expenditure. जो developmental expenditure होता है उसके लिए sufficient amount of fund हमारे पास नहीं होता था. But now the आज situation ऐसी है. Now the situation is आज के situation में it's not that we do not have sufficient amount of fund, basically we have enough fund, but then how effectively and efficiently we utilize that decides the success of the any success of any scheme or program. So this inefficiency of funds is not a big problem nowadays, but the problem is poor utilization of the allocated fund. Jo bhi fund allocate kiya jata hai उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या इफिशियंट यूटिलाइजेशन ना होना, दिस इज वन ऑफ द बिग कंसर्न और बिग रीजन बिहाइंड नॉन बिहाइंड द अनसक्सेसफुल और नॉट मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी डेवलपमेंटल गोल्स हमें अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर लगता है. वी नीड दैट एक्सपेंडिचर ऑन द रिलेटेड सर्विसेज एंड गुड्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हेल्थ फॉर ऑल, नाउ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की है और 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी दैट एम्स टू प्रोवाइड अ गुड हेल्थ फॉर ऑल. अब सभी के लिए अच्छी हेल्थ स्ट्रॉन्ग हेल्थ देना अगर है तो इसके लिए उतना एक्सपेंडिचर भी चाहिए, क्योंकि फॉर गुड हेल्थ इफ यू हैव टू प्रोवाइड गुड हेल्थ टू ऑल पीपल इन इंडिया देन वी नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. हर जगह पे लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ पे मेडिसिन की फैसिलिटीज अवेलेबल चाहिए, वहाँ पे उतने नंबर ऑफ बेड्स चाहिए, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है. उतने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए, उतना मेडिसिन का सप्लाई चाहिए, उन मेडिकल पर्सनल्स को रेगुलर सैलरी चाहिए. तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए हमें फंड चाहिए. अगर हमने इफ इफ द पब्लिक फंड्स आर नॉट यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली और इफिशियंटली देर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल यही अगर हम हेल्थ वाला अगर केस लेते हैं, हेल्थ फॉर ऑल, इसमें हमने उतने नंबर ऑफ मेडिकल पर्सनल्स नहीं प्रोवाइड किए या मेडिकल पर्सनल्स को प्रॉपर रेगुलरली सैलरीज नहीं मिली, मेडिसिन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं है बिकॉज कि हमारे पास उतना हमने उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि देर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल अगर इफ वी नीड one doctor behind 500 or 400 people and we have one doctor behind 1000 people now, for example 400 ke piche ek doctor hona chahiye, for example this is a standard, but hamare paas 1000 ke piche ek doctor hai, 1000 logon ke liye ek doctor, so definitely there will be more number of patients as compared to the doctor, and that's why the doctor patient ratio is very low, and that's why that will compromise the services, that will compromise the quality of the service, quality of the health service, and that's why we will not be able to meet our targets. जैसे कि हमारे infant mortality rate का कुछ target है, maternal mortality rate का target है, जो millennium development goals में हमने रखा था. So we have not achieved, we have failed to achieve them because of these shortfalls in the public fund and their proper utilization. There is one another example if we can understand through this. जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें बच्चों को स्टूडेंट्स के चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशंस के लिए
उनके न्यूट्रिशन नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए मिड डे मील के थ्रू हम उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द केस कि जो न्यूट्रिशनल फूड, जो हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड, द हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसको डाइवर्ट करते हैं और वहां पे लो क्वालिटी फूड देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल लेट से एक अच्छे हाई क्वालिटी के चावल भेजे हैं, बट उसको रिप्लेस करते हैं लो क्वालिटी के चावल से। तो इट्स नॉट दैट कि बच्चों को चावल नहीं मिला या बच्चों को न्यूट्रिशन, बच्चों को फूड नहीं मिला, बट दैट डज नॉट, बट दैट डू नॉट हैव दैट न्यूट्रिशनल क्वालिटी विच द अर्लियर फूड हैव। सो सच काइंड ऑफ मिस यूटिलाइजेशन, सच काइंड ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑल्सो विल नॉट हेल्प अस टू मीट द न्यूट्रिशनल टारगेट्स। जैसे कि वी हैव टू अचीव द गोल ऑफ जीरो हंगर, so we cannot achieve this goal of zero hunger when we have the low nutritional levels of the children, and basically this zero ending ending the hunger or zero hunger is our goal under sustainable development goal 2. Okay, now misutilization kis tarah se hota hai, misutilization ya fir underutilization humne abhi bhi dekha in do examples mein, फंड को डाइवर्ट किया जाता है या फिर सिस्टम में इंटरमीडियरीज होते हैं जो लीक करते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज करके, विद द यूज ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस दे डाइवर्ट द फंड एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लो, देयर इज अ वेरी लो अमाउंट ऑफ फंड रीच एट द लोकल लेवल और एट द बॉटम लेवल एंड दैट्स व्हाई देन देयर इज अ क्वालिटी ऑफ, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। देयर इज वन अनदर एस्पेक्ट रिसेंटली अभी अभी ये हो रहा है, डाटा मैनिपुलेशन एंड डाटा फैब्रिकेशन। डाटा मैनिपुलेशन मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इफ देयर इज अ विलेज, पर्टिकुलर विलेज एंड इन दैट विलेज ऑन द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर देयर आर 100 पीपल हु हैव बीन गिवन वर्क अंडर मनरेगा। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा हमें पता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जिसके अंदर 100 डेज का गारंटेड प्रोग्राम, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में 10 या 20 ही लोगों को बेनिफिट होता है, बट गवर्नमेंट के वो जो रजिस्टर होता है उसमें 50 या 60 70 इससे ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। सो फंड आता है फिर 60 या 70 जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए फंड आता है, बट फिर ये जो इंटरमीडियरीज है ये देते हैं 10 ही लोगों को जॉब या 10 ही लोगों को काम देते हैं या 10 या 20 लोगों को काम देते हैं। तो इसमें जो गैप है 40 या 50 लोगों का जो एक्स्ट्रा फंड इन्होंने रजिस्टर्ड करके डाटा मैनिपुलेट करके एक्वायर किया है गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी से, उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है। सो दिस इज वन अनदर वे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड इज देयर। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, डेफिनेटली इम्प्लीकेशन ये है कि पब्लिक एक्सचेकर, जो पब्लिक का पैसा है उसका निगेटिव, उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं हो रहा है, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल फेल टू अचीव द टारगेट्स और द डेवलपमेंटल गोल। और उसका बेस्ट एग्जांपल है पॉवर्टी इरेडिकेशन। पॉवर्टी इरेडिकेशन हैज बीन अवर टारगेट, हैज बीन अवर ऑब्जेक्टिव सिंस इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, बट वी हैव नॉट येट इरेडिकेटेड पॉवर्टी कंप्लीटली एंड द रीजन इज मिस यूटिलाइजेशन and underutilization of the public fund. Okay. Let's see the next question. Next question is question second B. हमने second A देखा, second B question second B यहाँ पे भी लिखा है, non-performance of duty by a public servant is a form of corruption. Okay. ये स्टेटमेंट है और वो पूछ रहे, दे आर आस्किंग दैट डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ यू कैन आइदर एग्री और डिसएग्री विद द व्यू, बट लेट्स सी द व्हाट इज द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, एंड यस डेफिनेटली वी हैव टू एग्री बिकॉज नाउ नाउ इफ आई एग्री विद दिस व्यू देन आई विल हैव टू जस्टिफाई माई आंसर। सो Gladstone used to say that purpose of the government is to make it easy for the people. Definitely, governance जो है, that should be citizen centric, people centric governance होना चाहिए.
if a citizen is finding it difficult to get his work done into the offices, government offices, then that government is not best, because that is making it difficult for the people. So the purpose of any government should be to make it easy. Okay, sometimes see, do tarah ki cheeze hoti hai, error of commission and error of omission. Error of commission means commission means commit, and omission means omit. Now either civil servants commit the mistake by doing something wrong, or they omit their responsibilities from their responsibilities. Now error of omission means, for example, that particular civil servant is there and he is supposed to do that particular job, but he is not doing it and he avoiding it, he is avoiding that job. Jaise har kisi ka, for example, now students are expected to study. For example, let's say there is an examination and students are expected to study. Now if they are not studying, means what they are doing? अब वो अगर वो उनका एक्सपेक्टेड रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, ठीक है. एरर ऑफ कमीशन मींस जो काम हम कर रहे हैं उसको गलत करना, ठीक है. सो यहाँ पे इसमें दूसरा पार्ट जो है हमारा एरर ऑफ कमीशन, इसके बारे में पूछा गया है. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स वॉट role you are expected to play, you are not playing it or you are not doing it, and that's why, see, not doing one's role that causes harm to the people. Now how we are going to see. Non-performance of duty has a various manifestations. Okay, for example, turning Nelson's eye to something wrong going on under the officer's department. For example, let's say you are a head of the department. You are a head of particular department, and in your department there are people. Yes, error of omission humne dekha, isme example hai. For example, you are head of the department and there are few other persons, there are few other authorities or people who are working under you in the same department, and now you have come to know, you have realized that the people or the authorities who are working under you, they are involved in corrupt practices. They are not following the prescribed norms of the duty related to the laws, and they are not also following the code of conduct, and they are not also following the punctuality, constitutional values in their work. So you realize that they are not following all these things and they are promoting corrupt activities, they are openly doing corrupt things, and that's why people are finding it difficult to get their work done. So now definitely these acts are ethically wrong. जो लोग जो authorities तुम्हारे under है, जिस department के आप head हो, तो आपके under जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम या तो ढंग से कर नहीं रहे हैं और corrupt practices को promote कर रहे हैं, तो ये definitely ethically wrong है. Now it is very common, even you can understand that now what you are supposed to do, because you are a head of the department, so you are supposed to take action, strict action against those people who are involved in corrupt practices in your department. But what you are doing, you have turned the Nelson's eye. In this situation you are directly not involved in any corrupt practice, aap kisi bhi tarah ke corrupt practice mein involved nahi ho, बट जो आपके आंखों के सामने या फिर आपके डिपार्टमेंट में आपके अंदर जो भी चीजें चल रही है, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, उसके अगेंस्ट एक्ट ना करना, बिकॉज यू आर सपोज यू आर अ सीनियर एंड यू आर अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू आर सपोज यूर रोल इज यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव सुपरविजन ऑन ऑल दीज एक्टिविटीज गोइंग ऑन एंड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी सच पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन सच करप्ट प्रैक्टिसेस. But by not doing your job, when you are turning the Nelson eye to it, means you are avoiding it. Nelson eye मतलब you are simply आप अनदेखा कर रहे हैं इसको, आप उस उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं. So नजरअंदाज करना is like non-performing your job. So this cause biggest harm to the public interest. क्योंकि जो लोग corrupt practices में involved है, they are doing the wrong things, that is for sure. But then by not acting against them, being a senior officer, then you are doing the larger harm to the public interest. So isme you are not performing your duty, and that is
also a form of corruption. Okay, so and this is of escaping nature. आप escape कर रहे हो अपनी duty से जो आपको ने करना चाहिए, ठीक है? So and by not taking any action against it, you are promoting such action. For you are a head of the department and you are not taking any strict action against these practices. It means that you are directly indirectly promoting such practices. So this error of omission cause harm to the public interest and citizens then find it difficult to get their work done. Hence, for इस वजह से क्या होता है कि सच नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हायर ऑफिसर्स दिस प्रोवाइड टू मच स्कोप फॉर द कोएर्सिव ब्राइबरी. कोएर्सिव ब्राइबरी मीन्स वॉट, जो आपके डिपार्टमेंट में आपसे लोअर पोजिशन में जो काम कर रहे हैं वो लोग करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और इनके अगेंस्ट आप एक्शन ना लो तब सिटीजन फाइंड देमसेल्फ हेल्पलेस. अगर उनको अपना काम करवाना है तो दे विल हैव टू ब्राइब द ऑफिसर एंड देन दिस इज नोन एज कोएर्सिव ब्राइबरी बिकॉज दे आर फोर्स टू ब्राइब बिकॉज दे वॉन्ट देयर वर्क टू बी डन. ठीक है, सो यस वी कैन कंक्लूड दिस विथ not doing one's job cause large damage to the society than doing any job wrongly. Yes, this statement is not completely correct, but then in this context we can say this ki koi kaam ko, for example aap koi kaam kar rahe and in an attempt to do it right you have by mistake is kuch galat ho gaya, so that is okay, but then not doing one's duty is very dangerous. Theek hai. Then next question, this is question 3A. This is interesting, this question, because is constitutional morality, ये जो term है इसके ऊपर काफी articles newspaper में आ चुके थे या continuously आ रहे हैं. Recently Supreme Court ने ये word का use किया था. What is mean by the term constitutional morality? Constitutional morality क्या है and how does one uphold the constitutional morality? ठीक है, what is mean by constitutional morality and how does one uphold the constitutional morality? So constitutional morality matlab kya hai ki constitution jo hai, constitution ka substantive content hota hai. Substantive content matlab ki jo justice, equality, liberty, integrity, dignity of the people, in sab cheezon ke bare mein jo deal karta hai usko hum substantive aspect bolte hai. Jaise सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया, सो राइट टू एजुकेशन एक्ट इज समथिंग. राइट टू एजुकेशन इज अ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ बिकॉज विदाउट एजुकेशन वन कैन नॉट परफॉर्म वेल और परफॉर्म एट इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एजुकेशन इज इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट. सो जो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए या अपने लाइफ को फुलेस्ट पूरी तरह से या और एट इट्स फुलेस्ट वी हैव टू लिव द लाइफ, देन वी रिक्वायर दिस बेसिक थिंग्स लाइक वी रिक्वायर डिग्निटी, वी रिक्वायर लिबर्टी, वी आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड इक्वली, वी आर रिक्वायर्ड टू एजुकेशन, हेल्थ, गुड हेल्थ, जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज सब्सटेंटिव कंटेंट. सो इन अ कंटेम्पररी यूसेज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज कम टू रेफर as the substantive content of the constitution. Now the definition of constitutional morality that should not be limited to the following constitutional provisions literally. Constitution ke jo provisions hai unko literally follow karna itna hi constitutional morality nahi hota. Iska scope, constitutional morality ka scope thoda sa broad hai. Constitutional morality is the meaning of the constitutional morality or definition of the constitutional morality is broad enough and vast enough to ensure the ultimate aim of the constitution. Constitution ka ultimate aim kya hai? Constitution ka ultimate aim hai providing an opportunity to unfold the full personhood of every citizen for whom and by whom the constitution exists. कॉन्स्टिट्यूशन जिनके लिए तैयार किया गया है और जिनके द्वारा तैयार किया गया है, फॉर हुम एंड बाय हुम, उनके लिए उनके फुल पर्सनहुड या फिर लाइफ के पूरे पोटेंशियल में डेवलप होने के लिए
जो भी चीजें चाहिए उन सभी चीजों की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल है। जैसे इट मे हैपन दैट कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट प्रोवाइड मे नॉट मेक प्रोविजंस फॉर एवरी सर्कमस्टेंसेस, बट इन दैट सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज मेल फीमेल या फिर ऐसे किसी भी सेक्स पे, किसी भी सेक्स के आधार पे या जेंडर के आधार पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अभी रिसेंटली आईपीसी 377 हम उस एग्जांपल में देखेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कंसेप्ट का यूज किया है, क्योंकि एग्जांपल है अपने पास इसमें नीचे, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो किसी भी पर्सन को, जैसे मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में राइट टू गो अब्रोड वॉज नॉट राइट टू गो अब्रोड, ये जो राइट था ये राइट डिफाइन नहीं था कहीं भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सन को राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये जो आर्टिकल 21 में दिया है, अब डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए उस पर्टिकुलर इंसान को सारे तरह के राइट्स होने चाहिए, जैसे कि वो बाहर जाना चाहे तो बाहर जा सके, वो कहीं भी घूमना चाहे तो घूम सके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके ये अंडरस्टैंड कर दिया कि फॉर टू लीव द लाइफ एट इट्स फुलेस्ट वी नीड ऑल सच नेसेसरी राइट्स लाइक इंक्लूडिंग राइट टू गो अब्रॉड। देन अब ये राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी, इसके लिए जो जो चीजें चाहिए उन्होंने वो चीजें एनुमरेट की। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यूज करके उन्होंने उस राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है और उसको काफी, उसमें काफी सारे और राइट्स इंक्लूड किए, जैसे राइट टू हैव अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लीव अ लाइफ विथ डिग्निटी। ओके, सो दिस वॉज द केस वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो इफ वी सी ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स वॉट, एडहरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है उसको उसको कनेक्टेड रहना या उनको फॉलो करना, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जैसे कि फॉर ये कौन से प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के, वो है इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस, ठीक है। नाउ हाउ कैन वन अपहोल्ड इट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ सिटीजन्स है, वेन सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन सेक्स दे कम टू अ पब्लिक सर्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वन यू आर पब्लिक सर्वेंट एंड दिस डिफरेंट पीपल कम टू यू बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट रिलीजन डिफरेंट सेक्स, नाउ पब्लिक सर्वेंट मस्ट ट्रीट देम ऑल इक्वली बिकॉज इक्वालिटी इज द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड वी हैव टू अप्लाई इट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मीन्स अप्लाइंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर एक्शन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो यू कैन नॉट फेवर एनी पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू यूर कास्ट, यू कैनॉट फेवर एनी पर्सन एंड यू कैनॉट बी बायस टूवर्ड अ पर्सन हु इज सपोजली belong to your caste or particular religion. You have to be fair with everyone and you have to treat them all equally. That is constitutional morality. In this way, by treating all equals, authorities can ensure constitutional value of equality. Another example recently, अभी जो हम पहले discuss कर रहे थे question में, the same example we are now discussing here. Another example, Supreme Court ने recently Supreme Court have invoked this right to life with dignity, okay, right to life with dignity under article 21 in case of section 377 of the IPC to discriminalize it. Jo transgender hote the, transgender ko transgender used to face social exclusion and discrimination because of their sexual orientation, and that's why, aur to unke inclusions ke wajah se, unke sorry exclusion ke wajah se, उनके मार्जिनलाइजेशन के वजह से वो अपने लाइफ में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इन सब चीजों का एक्सेस नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई दे कुड नॉट लीड देयर लाइफ विद अ डिग्निटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इन्वोक करके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो ये प्रिंसिपल है उसको इन्वोक करके ये कहा कि नो मैटर ऑफ वॉट जेंडर दे बिलोंग्स टू और विच काइंड ऑफ सेक्चुअल ओरिएंटेशन दे हैव, दे आर पर्सन, दे आर पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी टू एवरी पर्सन, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या फिर कोई और हो, दे ऑल आर गिवन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और डिग्निफाइड लाइफ के लिए
they should be free from any kind of discrimination, they should be free from any kind of criminalization, or they should be free from any kind of exclusion. And that's why by but this 377 जो IPC है, ये क्या provide, ये क्या करता था, 377 IPC का जो section है, that criminalizes that the criminalizes the act the criminalizes this transgender because of their sexual orientation. उनके sexual orientation के वजह से उनको criminalize किया जाता था. तो कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिंसिपल यूज करके उन्हें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 जो है उसको डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया. एंड दैट्स व्हाई दे हैव अपहोल्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रेगुलेशन एंड रूल्स दे आर द सोर्स ऑफ द मोरल कंडक्ट एंड दैट दे मस्ट गाइड अथॉरिटीज इन अ सब्सटेंटिव जस्टिस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. What is mean by crisis of conscience? Crisis of conscience क्या है? इधर question है. We have this question. Yes, question number 3B. What is mean by crisis of conscience and how does it manifest in the public domain? Okay, so crisis of conscience क्या है? और पब्लिक डोमेन में वो कैसे मैनिफेस्ट होता है. ठीक है, क्राइसिस ऑफ कंसेंस. नाउ दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, क्राइसिस ऑफ कंसेंस. इसमें क्या होता है, एवरी टाइम देयर इज सम इनर वॉइस, जिसको हम अंदर की आवाज बोलते हैं. सो देयर इज एन इनर वॉइस विच जजेस अवर बिहेवियर, सो दैट ऑल्सो हेल्प अस टू रेगुलेट अवर बिहेवियर. And that is a source of our ethical decision making. मतलब हमें for example whenever we decide something we do what we feel good from inside. ऐसे हम बोलते कि मुझे अंदर से लग रहा है कि this is good, this is right and I should do this. So वो होता है अंदर की आवाज, जिसको हम inner voice बोलते हैं. So ये inner voice जो होता है that regulate our behavior in a ethical way. वो हमें सही और गलत के बारे में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. एंड दैट्स व्हाई वी देन गो फॉर मोर एंड मोर इथिकल कंडक्ट. सो दिस इज इनर वॉइस. नाउ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या है, दिस इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन इन विच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज राइट थिंग टू डू. क्राइसिस ऑफ कंसाइंस ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम एक डायलेमा फेस करते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ये करना तो मुझे सही लग नहीं रहा है बट ये करना जरूरी भी है. इस तरह की सिचुएशन हम काफी बार लाइफ में फेस करते हैं एंड वी फील दैट कि दिस इज नॉट राइट बट देन दिस इज द ओनली वे आई हैव टू डू. ओके, सो दैट इज अ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, मीन्स वी फील वी नो दैट दिस इज रॉन्ग बट देन वी आर फोर्स टू डू इट बिकॉज दिस इज द ओनली वे वे आउट फॉर अस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अपने पास एक ही ऑप्शन होता है बचा हुआ एंड देन उस सिचुएशन में हम क्या सही क्या गलत ये नहीं देखते और वी जस्ट डू इट. सो बट काफी बार देन मेनी टाइम्स वी वरी बिकॉज वी थिंक दैट वॉट वी हैव डन इज अनफेयर एंड मोरली रॉन्ग. और बाद में हमें ये रियलाइज होता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं था, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए था. इस तरह का हमें लगने लगता है. तो ये पूरी सिचुएशन जो है उसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. ठीक है, इसमें काफी सिंपल एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे. छोटे बच्चे होते हैं तो द स्मॉल किड्स मेनी टाइम्स टेक मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फादर्स पॉकेट एंड बट दे नो दैट दिस इज नॉट राइट. उनको पता है कि ये सही नहीं है बट देन दे डू इट सीक्रेटली, वो चुपके से वो पैसे चुराते हैं पॉकेट से. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी स्मॉल किड बट स्टिल देर आर सम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो करते हैं ये सब काम. तो वो सीक्रेटली अपने पेरेंट्स के पॉकेट में से पैसे ले लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा चॉकलेट्स फॉर एग्जाम्पल खरीदने हैं, क्योंकि पेरेंट्स देंगे तो दो ही चॉकलेट देंगे और इन्हें चाहिए 10 चॉकलेट. तो पेरेंट्स 10 चॉकलेट के लिए अगर अलाउ नहीं करेंगे तो वॉट दे विल डू, दे लाइक चॉकलेट एंड दैट लाइकनेस ड्राइव देम टू डू ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाइल टेकिंग मनी फ्रॉम द फादर्स पॉकेट
विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट द नॉलेज ऑफ द पेरेंट्स, पापा को पता भी नहीं है एंड ही इज टेकिंग दैट मनी, सो दैट चाइल्ड नो दैट दिस इज रॉन्ग, उसको पता होता है वो गलत है, क्योंकि उसको अगर लगता कि ये गलत नहीं है तो फिर वो सीक्रेटली ये सब चीजें नहीं करता, ओपनली करता, बट ही नोज दैट दिस इज रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई ही डू इट सीक्रेटली। सो ये होता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, जिसमें ही नोज दैट दिस इज रॉन्ग बट देन ही इज डूइंग इट बिकॉज दिस इज द ओनली वे ही हैज नाउ। ओके, पब्लिक डोमेन में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कहाँ मैनिफेस्ट होता है? पब्लिक डोमेन में क्या होता है? करप्शन, करप्शन इज इन अ पब्लिक लाइफ, सिविल सर्वेंट्स जो है, सिविल सर्वेंट्स पब्लिक लाइफ में करप्शन करते हैं एंड दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्राइसिस ऑफ कंसेंस। क्राइसिस ऑफ कंसेंस का मैनिफेस्टेशन है करप्शन, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स को पता है कि जो भी वो कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग, वॉट एवर दे आर डूइंग दैट इज रॉन्ग, बट देन दे स्टिल डू इट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट और देयर नैरो प्राइवेट इंटरेस्ट, विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। डेफिनेटली जो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए करप्ट एक्ट करेगा, सो इसका लॉस पब्लिक इंटरेस्ट को है, बिकॉज देयर इज मेनी टाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट व्हेन यू आर प्राइवेट व्हेन यू आर नॉट व्हेन यू डू नॉट कंसीडर द पब्लिक इंटरेस्ट एज योर प्राइवेट इंटरेस्ट। ओके, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस समटाइम्स व्हेन यू डू करप्ट एक्टिविटीज, सो व्हाइल गेट इन्वॉल्व इन टू द करप्ट प्रैक्टिसेस, पब्लिक सर्वेंट नो एंड दे आर अवेयर दैट वॉट एवर दे आर डूइंग दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज गोइंग टू कॉज डैमेज टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बट दे स्टिल डू इट बिकॉज दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड विच इज बेनिफिशियल टू देम। ओके, एंड दैट्स वाई दिस इज अ क्राइसिस ऑफ कंसेंस इन अ पब्लिक डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4A। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस। सिटीजन चार्टर मूवमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें देखना है। सो बिफोर वी सी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिटीजन चार्टर। इफ यू डोंट नो व्हाट इज सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है? वेन एवर यू विल विजिट अ गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यू विल फाइंड वन सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर इज वॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंशंस व्हाट इज देयर ऑब्जेक्ट।